हमारा देश अपना इतिहास भूल रहा था। जो थोड़ा बहुत बचा था उसी को बचाने के लिए वो मीनार बनाया गया। और उस मीनार का बचपन का रिश्ता था। उनको शायद इस बात का एहसास भी नहीं हुआ होगा कि प्रगति मैदान गिरा के उन्होंने कितना बड़ा पाप किया। आखिर में उस इमारत को हमने मिल के नीचे उतारा। उस मीनार को बनाने के लिए प्रगति मैदान के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। आर्किटेक्चर स्टूडियो में फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया प्रगति मैदान को फिर से बनाने के लिए। लेकिन जब वो पावर में आया सब कुछ बदल गया। ना हिंदू धर्म आगे करने के लिए उसने बाकी हम सबको अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। आपके बारे में कुछ कहना। हमारा बनाया गया वो प्रगति मैदान अब उसके इस नए भारत को शोभा नहीं दे रहा था। एक एक करके पहले उसने हमारे प्रगति मैदान को कवर किया, फिर एक के बाद एक सील करता गया। आखिरकार हमारा आर्किटेक्चर स्टूडियो बंद हो गया। हर न्यूज़ चैनल के पास गया उनको दिखाने के लिए कि हमारे साथ कितना गलत हो रहा है, बट किसी ने भी मेरी नहीं सुनी।
बाहर विदेश में मीनार को वाह वाही मिल रही थी और देश के अंदर सरकार प्रगति मैदान को तोड़ तोड़ के बेच रही थी। आखिरकार उसके भक्तों ने आके अपनी लड़ाई शुरू कर दी कि उनके हिंदू देश में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। उस दिन सब कुछ बदल गया। मैं रात भर सो नहीं पाया। मेरा देश इस धर्म की आग में जल रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, और इसके पीछे सिर्फ एक आदमी का हाथ था। चाहे वह 2,500 साल पहले भगवान बुद्ध हो या पिछली शताब्दी में महात्मा गांधी, हम कभी समझ नहीं पाओगे मैंने जो किया वो क्यों किया। ये शहर अलग ही दुनिया है और जो उसके साथ कदम से कदम नहीं मिला सकता ये शहर उसको खत्म कर देगा। दिल्ली दिल वालों की नहीं अब हिंदुओं की है, और इस नए दौर के हिंदुस्तान में एक प्रश्न हमेशा उठता है कि अपने आप को असली हिंदुस्तानी कहने का हक आखिर किसको है।